नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। बालाजी एक्सटेंशन में जलापूर्ति कार्य जल्द। जी हां, वर्षों से जल संकट का सामना कर रहे बालाजी एक्सटेंशन में रहने वालों को अब जाकर राहत मिली है। कॉलोनी वासियों की आग्रह पर कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने हर घर में आसानी से पानी पहुँचाने का भरोसा दिया है। विधायक के निर्देश पर विधायक सहयोगी व भाजपा कार्यकर्ता अमित सिंह चिंटू व जल निगम के जेई दीपक पांडे ने कॉलोनी की गलियों में घूमकर पूरा निरीक्षण किया, ताकि हर घर तक आसानी से पेयजल आपूर्ति की जा सके, जिसकी जानकारी स्थानीय रामपाल सिंह ने दी है। इस दौरान कॉलोनी वासी ललन पांडे, रामपाल सिंह, मदन चौबे, रचित जी, सत्य भामा देवी, अरविंद राय, रमेश यादव, प्रदीप पाठक, विनोद पांडे, प्रेम शंकर तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। वाराणसी से हमारे संवाददाता प्रहलाद पांडे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के सांसदीय क्षेत्र वाराणसी के लंका अंतर्गत ये बालाजी कॉलोनी में हम खड़े हैं। यहाँ पर अभी कुछ महीने पहले यहाँ के कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव द्वारा यहाँ पर ट्यूबवेल का शिलान्यास किया गया, और यहाँ पर जगह जगह हर गलियों में उन्होंने वादे किए थे कि पानी के पाइपलाइन सबके घर में दौड़ेगी। तो कुछ जगह ऐसे है जो बालाजी एक्सटेंशन है, यहाँ पर कुछ जगह छूट गए हैं। यहाँ पर आम जनता जो यहाँ के निवासी हैं वो अपनी समस्या लेकर के उनके पास गए, उनका क्या निवारण हुआ, यहाँ पर क्या बातचीत हुई, आइए यहाँ के कुछ उन लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या निस्तारण हुआ है और ये आगे क्या चाहते हैं। जी, अपना परिचय बताएं। हाँ, ये मेरा नाम रामपाल सिंह है भैया, और मैं बालाजी एक्सटेंशन में रहता हूँ। पहले हम लोगों का जो है ये योजना में हम लोगों का मोहरा बालाजी एक्सटेंशन नहीं था। हम लोगों ने कोशिश तय किया है और विधायक जी से हम लोग मिले। विधायक जी ने अपने जेई और आदमी को, अपने आदमी को भेजा है आज, और आज इन लोगों ने हम लोगों का इंस्पेक्शन किया है और जमीनी, और अब जा कर के आज इन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, बालाजी में भी सब गलियों में पानी पहुंचाया जाएगा। मतलब ये आपको आश्वासन वहाँ से मिला है कि हर गलियों में आपके घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। हाँ, ठीक है। उसके बाद से अगर ऐसा नहीं होता है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? अरे फिर वही सौरभ जी से ही मिलेंगे, दूसरा क्या दूसरा है। हम लोग एक अपना ले करके, अपने आदमियों को सबको ले करके, ये जनमत है भैया, जनमत का दबाव, जनता का दबाव ना काम आता है, तो जनता का दबाव पड़ता है तो काम होता है। आज जनता का दबाव पड़ा है तो स्वीकार किए हैं, वो आज दे रहे हैं, अब देंगे, अब उसमें संशय नहीं है। लगभग आप ये बता सकते हैं कितना एरिया है जहां तक पाइपलाइन बिछाना है, कहां तक अभी नहीं बिछा हुआ, इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? ये हम समझते हैं कुल गली मिला करके 1 किलोमीटर से कम नहीं होगा, 1 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर कुल नाप लेकर, 1 किलोमीटर हो जाएगा लगभग, 1 किलोमीटर लगेगा। ट्रेनिंग भली भांति तन्मयता से दी जा रही है। जी हां, विकास खंड हंडिया में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय कनकपुर में अध्यापक द्वारा जहां बच्चों को स्काउट गाइड की ट्रेनिंग भली भांति तन्मयता से दी जा रही है, वहीं बच्चे भी तन्मयता से स्काउट गाइड के नियमों को सीखकर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प ले रहे हैं। जहां टीचर बच्चों को स्काउट गाइड में ट्रेन करना चाहते हैं, वहीं बच्चे भी स्काउट गाइड के नियमों पर चलकर विकासखंड हंडिया का नाम रोशन करने की चाहत रखते हैं। बच्चों को ट्रेन करने में विशेष रूप से प्रधानाध्यापक रामचंद्र श्रीवास्तव, सहायक अध्यापिका विभा यादव, अनुपमा त्रिपाठी, आराधना समेत सभी गुरुओं का विशेष सहयोग भी मिल रहा है। जहां यह बच्चे स्काउट गाइड की ट्रेनिंग लेते हैं, वह मैदान बिल्कुल स्वच्छ बनाया गया है, जिसमें सफाई कर्मियों की भी अहम भूमिका नजर आ रही है। देखा जाए तो सभी मिलकर कनकपुर आदर्श विद्यालय की शान बरकरार रखने में प्रयत्नशील है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। तुम्हारा? मेरा नाम है पूजा। पूजा, किस क्लास में पढ़ती हो? 7। अच्छा पूजा, संज्ञा किसे कहते हैं मालूम है? यस सर। बताइए। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड। पानी का सूत्र मालूम है? यस सर। क्या होता है? H2O। अच्छा, खड़िया का मालूम है? नहीं। ये क्या कहते हैं? Cl। हिंदी की कविता आती है? यस सर। जरा हमको सुना दीजिए तो।
देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूर्य हमें रोशनी देती है, हवा नया जीवन देता है, भूखी मिट्टी पर होती खेती, औरों का भी हित हो जिसमें, हमें ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अंबाला को दी गई नई सौगात। जी हां, आज अंबाला छावनी के नगर परिषद द्वारा अंबाला को दी गई नई सौगात, जिसमें अंबाला को सफाई करने की दो नई गाड़ियां दी गई हैं, जिसमें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। हरियाणा में लगभग 40 गाड़ियां दी गई हैं। इस मौके पर नगर परिषद के सेक्रेटरी राजेश कुमार बेनीवाल व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। हरियाणा के अंबाला से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। मशीन आगे बढ़ाएंगे और ब्रश डाउन करेंगे। कितने की ये है और क्या कुछ उनसे? ये वैक्यूम क्लीनिंग मशीन है जो सारे शहर की सफाई किया करेंगे, ताकि डस्ट वगैरह जो भी सड़कों में है वो सारे को ये सक कर देंगे। 70-70 लाख रुपये की आई है हमारे शहर की सफाई में, इससे बहुत सुधार। सब ये माना जाए कि अब जो अंबाला है वो भी जो 100 सुपर क्लीन सिटीज हैं उसके अंदर शामिल होने जा रहा है। हम इसमें करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमें जब अगला सर्वे होगा तो हमारा जो है वो डबल डिजिट में आ जाएगा, ऐसा पूरा प्रयास। मेरा नाम वरुण कुमार है जी, और ये मशीनें डायरेक्टर लोकल बॉडी ने खरीदी है और हरियाणा के सारे नगर निगमों को और नगर पालिकाओं को दी जाएंगी। हमें इनको 5 साल चलाने का और इनका रखरखाव करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो 5 साल हम इनको चलाएंगे और प्रतिदिन हमें 30 किलोमीटर काम करना है, 30 रनिंग किलोमीटर, और 8 से 12 घंटे ये मशीन चलाई है। क्या कार्य करेंगे ये मशीनें? रोड क्लीनिंग का कार्य करेंगी, तो जो आप रोड पे साइडों में मिट्टी देखते हैं वो इनके चलने के बाद उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी और पॉल्यूशन भी कम होगा। कितनी लागत की मशीन है ये? मशीन जो है 76 लाख रुपीज़ की है। कितनी मशीन है? 44 मशीन अंबाला में। अंबाला में 2 मशीन और पूरे हरियाणा में 44। संत निवास में लगा शिव भक्तों का तांता। जी हां, आज अंबाला छावनी के संत निवास में लगा शिव भक्तों का तांता। कांवड़ियों ने बताया कि वह हरिद्वार से पैदल
जल लेकर यात्रा करते हैं। सनातन धर्म के प्रधान मुकेश मोहन सहगल जी ने बताया कि यह शिविर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लगाया गया है, जिसमें दूर दूर से कांवड़िया आकर रुकते हैं। कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविर में सभी व्यवस्थाएं, इसमें भोजन की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, नहाने धोने की व कोई भी जरूरत कांवड़ियों को हो वह पूरी की जाती है। हरियाणा के अम्बाला से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। कितने टाइम से आप आ रहे हैं? मेरा नाम प्रनाथ जी, मैं पहली बार यात्रा पे आया हूँ। मेरे को बहुत खुशी है कि भगवान ने, भोले शंकर ने मेरे को सौभाग्य प्राप्त मिला। हम हरिद्वार से आए हैं, 15 तारीख को हम चलेंगे और महाशिवरात्रि वाले दिन हमारा जल चढ़ाना है माता जी को और तपा मंडी हमें जाना है। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा यात्रा पे। सभी को जिस कैसे भी अपने काम का से टाइम मिलता है तो हाँ जी सर, क्या नाम है? एमएम सहगल। हाँ जी, सभा की तरफ से बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी, सभा क्या नाम सभा का? सभा सनातन धर्म सभा रजिस्टर्ड जी। रुकावट शिविर में जो कि सेवा सनातन धर्म सभा ही करा रही है, तरह तरह की चीज़ें हैं, खाने का निःशुल्क, चिकित्सा का, हर तरह का प्रबंध है। यहाँ कांवड़ रात को 30-40 रुके थे, अब तक 150-200 के आसपास कांवड़ आ चुके हैं, जो भोजन वगैरह करके विश्राम करके आके अपने गंतव्य के लिए निकल जाते हैं। कितने टाइम से ये सेवा लगाते हैं यहाँ? ये शिविर तो बहुत सालों से है, तो गिनती भी नहीं रही इसकी। पर कहाँ कहाँ से कांवड़ी आए हैं? हम ये पंजाब से, थोड़े से हिमाचल से, इस तरफ से आते हैं। शोभा यात्रा निकाली गई। जी हाँ, आजमगढ़ के लालगंज में शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा मुर्शीपुर रोड से लेकर बाईपास तक निकाली गई। इस मौके पर आदित्य मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता सादिक उस्मानी की रिपोर्ट। आज इंसान तीन परिस्थितियों में जी आया है, भय, चिंता और तनाव। तनाव से मुक्त होने के लिए सहज मेडिटेशन राजयोग मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। इस समय जो दुख दर्द चला हुआ है, आतंकवाद बढ़ा हुआ है, इसको खत्म करने के लिए हम 5 विकारों का दान देंगे, नशा मुक्त करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय निःशुल्क राजयोग मेडिटेशन सिखा रहा है, जो सोनारी कट्ठा में लालगंज में भी 4 सालों से चल रहा है। ये शोभा यात्रा फरिश्तों की यात्रा है, देवताओं की यात्रा, आने वाली स्वर्णिम दुनिया में
यही नर श्री नारायण बनेगा, नारी श्री लक्ष्मी बनेगी। हे सत्यम शिवम सुंदरम, इस संस्था के फाउंडर फादर हैं प्रजापिता ब्रह्मा और उससे ऊपर परमपिता परमात्मा परम ज्योति हैं, जिस ज्योति ने ही ये स्वर्णिम दुनिया रचने का यज्ञ रचा है। ये गीता ज्ञान रुद्र यज्ञ है, ये गीता ज्ञान के दाता परमपिता परमात्मा शिव हैं। शिव निराकार इस ज्योति पर पधार चुके हैं और आज इस कलयुग पतित भ्रष्टाचारी दुनिया को स्वर्णिम नई दुनिया में आने में हमारी ये शुभ आशा है कि हर कोई भाई बहने इस राज्य को जीत कर अपने को स्वर्णिम दुनिया के लायक बनाए। इस तरह का ये शोभा यात्रा निकाली गई है, जी इसका लक्ष्य है कि मानव जीवन तनाव मुक्त बने, मानसिक शांति प्राप्त करें और जीवन में सच्चा सुख शांति प्राप्त करें। अच्छा अच्छा, और आपका नाम है? अच्छा, ये शोभा यात्रा निकाली गई, इसके बारे में बताएं। ये मनुष्य का पतन हो चुका है, देवी देवता मनाने के लिए ज्ञान देकर उसको परमात्मा आए हुए हैं। अभी ज्ञान और ये राडियो की शिक्षा कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? लालगंज में कहाँ से कहाँ तक जाएगी? स्टेट बैंक। अपना नाम बताइए, क्या नाम आपका है? कहाँ से कहाँ तक निकाली जा रही है? लालगंज सेवा केंद्र से। अच्छा, आपका शुभ नाम? प्रीति निशा है। जी संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय से निकाला गया ये चैतन्य दिव्य शोभा यात्रा है। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जीवन को आध्यात्मिक कैसे बनाएं, जी शांति कैसे बनाएं। जी आज मनुष्य के अंदर इतना कड़वाहट पड़ गया है, संबंधों में इतना खट्टास पड़ गया है कि इंसान एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहा है। इस कला का मेन मकसद यही है कि जीवन जीने का कला। हमारे आज के इस शोभा यात्रा का लालगंज निवासी भाई बहने बहुत ही धूमधाम, इसमें कुछ बच्चे विद्यालय के भी है क्या? नहीं। अच्छा, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम लोग ये शिव और शंकर में महानंद कहाँ से कहाँ तक आपकी जाएगी ये शोभा यात्रा? जी करके हमारे के सामने सोनाली तक ये जाने वाला है। अच्छा, और पूरा मार्केट अभी तो घूम चुका है। जी जी, और हम लोग अभी रिटर्न हो रहे हैं। जैसे अभी और भी हमारे प्रोग्राम बाकी है, हम लोग झंडा रोहण करेंगे कि अपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में महाशिवरात्रि के अवसर पर बहुत बड़े रूप में ये प्रोग्राम हो रहा है लालगंज में। आजमगढ़ की जो मेन इस संस्था की इंचार्ज है, हमारी बड़ी दीदी भी आई है, चार पांच हमारे प्रमुख अतिथि भी आए हैं। बहुत अच्छे से धूमधाम से हो रहा है और आगे भी कार्यक्रम होगा, बहुत बड़ा भंडारा भी हम लोगों ने रखा होगा। ये था अभी की कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।